नवाब मलिक ने मुन्ना यादव पर जो आरोप लगाए हैं उस पर भाजपा नेता मुन्ना यादव ने अपनी भूमिका स्पष्ट की, साथ ही नवाब मलिक पर भी निशाना साधा। भाजपा नेता मुन्ना यादव ने कहा कि नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं। उन्होंने कहा कि वो कई वर्षों से राजनीति में हैं। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो राजनीतिक अपराध है। उनके नाम का राजनीति में पैसों के लिए गलत इस्तेमाल किए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नवाब मलिक के विरोध में वो एक रुपए का मानहानि का दावा ठोकेंगे। 100% इंक्वायरी होंगी और नवाब मलिक 100% जेल में जाने वाले हैं। 100% नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, उस प्रकार मेरे किसी भी अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं। मैं मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुनहगारी का केस नहीं। मेरे विरोध में लड़ने वाले के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था, मेरे साथ चुनाव लड़ने वालों के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, मेरे विरोध में मेरे अनेक चौकसी सरकार ने करवा ली है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस प्रकार जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी प्रकार नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, वो भी 100% इंक्वायरी के बाद जेल में जाने वाले हैं। सेना के मंत्री संजय राठौड़ के ऊपर उसने क्या किया वो मेरे को बताने की गरज नहीं, आप लोगों को मालूम है। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। मैं नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का दावा करने वाला हूँ।